हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 4.9 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर्स होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहता था, जो कि एक कंपनी में काम करता था। और एक दिन गुलिवर्स किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा था जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो कि जॉब से रिलेटेड नहीं होते। और तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो ऑलरेडी जॉब के लिए सिलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद गुलिवर्स उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है और वहाँ एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है। और गुलिवर्स उस न्यू कमर लड़के को डार्सी से भी मिलवाता है। वो नया एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर ये समझ जाता है कि गुलिवर्स उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर्स की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से बात कर सके। फिर वो गुलिवर्स और नया एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ डार्सी भी आ जाती है और वो नया एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके और एक दूसरे को समझ सके। और अगले दिन हम देखते हैं कि गुलिवर्स ऑफिस में एंजॉय कर रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ वो नया एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और वो नया एम्प्लॉय गुलिवर्स को कहता है कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हारी अभी तक प्रमोशन नहीं हुई। तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए जिसकी वजह से डार्सी अभी तक तुम में इंटरेस्टेड नहीं हुई। और ये सुनकर गुलिवर्स थोड़ा अपसेट हो जाता है और उसके बाद वो डार्सी के ऑफिस जाता है, जहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि एक ट्रैवलिंग फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी ट्रैवल में इंटरेस्ट है, जिस पर वो कहता है यस, बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। और ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन जब गुलिवर लिखने बैठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता कि उसे क्या लिखना चाहिए, क्योंकि उसने डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए उससे झूठ बोल दिया था जबकि वो तो आज तक कहीं पर भी नहीं गया था। और उसके बाद वो इंटरनेट से अलग अलग पैराग्राफ और अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है जिसे देखकर डार्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे इम्प्रेस भी हो जाती है। तब डार्सी उससे कहती है कि तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल जाना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए। और फिर अगले ही दिन गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है, जहां बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और वो उसे बोट चलाने के सारे इंस्ट्रक्शंस बताता है। वो उसको बताता है कि आपको इस रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और उसके बाद तुम बरमूडा ट्रायंगल पहुंच जाओगे और फिर जब तुम्हें वापस लौटना होगा तो इस बटन को बैक घुमा देना। और उस पर गुलिवर्स उससे कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, देखना मैं इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। और उसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है और उसे नींद आ जाती है। और तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ देखता है वो देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी की चेस्ट पर खड़े थे और उसे रस्सियों से बांध दिया गया था और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए थे वो साइज में बहुत ही छोटे थे और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जायंट समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा और उन्हें खा लेगा। लेकिन तभी गुलिवर खुद को आजाद कराने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींच लेते हैं और तभी गुलिवर फिर से गिर जाता है। और फिर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जाते हैं, जहां वो किंग से कहता है कि ना तो मैं जायंट हूं और ना ही मैं डूमन हूं, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूं और मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है। गुलिवर को लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा हो और अपने राजा के कहने पर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को एक जगह पर बंदी बना लेते हैं। और वहीं पर गुलिवर को एक और कैदी भी मिलता है जिसका नाम हुरेशिया होता है, लेकिन हुरेशिया गुलिवर जैसा नहीं था बल्कि वो उन लोगों की ही तरह छोटा था। गुलिवर हुरेशिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर हुरेशिया उसे कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर प्रिंसेस के फियांसी यानी के जनरल ने कैद कर दिया है। और इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल भी आ जाता है। गुलिवर जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलिवर उससे कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी।
और उस पर वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन जनरल बैल की जगह गुलीवर को लगा देता है और खुद उसकी सवारी करता है, लेकिन तभी उनके देश पर दुश्मन देश हमला कर देता है और दुश्मन देश के सिपाही पूरे पैलेस पर आग लगा देते हैं, और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुलीवर्स आ जाता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। पूरे पैलेस में आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है, और तब गुलीवर्स उन सबसे कहता है कि इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आग बुझा दूंगा। और फिर गुलीवर्स वहाँ पर लगी सारी की सारी आग को बुझा देता है और उस आग के बुझाने के प्रोसेस में वो जनरल भी भीग जाता है, जिस पर जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलीवर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और खुश भी, इसीलिए वो उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि हुरेशिया को आजाद करना होगा। और किंग गुलीवर की ये बात मान लेता है और हुरेशिया को आजाद कर दिया जाता है। और उसके बाद गुलीवर किंग और उन सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी किंग गुलीवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलीवर कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो लोग गुलीवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलीवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। किंग गुलीवर से कहता है कि जल्द ही हम लोग तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे और उसके बाद तुम यहाँ से अपने देश न्यूयॉर्क जा सकोगे। और उसके बाद किंग गुलीवर के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है ताकि गुलीवर वहाँ पर आराम से रह सके। और उसके बाद हम देखते हैं कि गुलीवर और हुरेशिया इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। उसके बाद गुलीवर हुरेशिया का लव गुरु बन जाता है और वो हुरेशिया को जैसा जैसा बताता है हुरेशिया सेम उसकी बातों को फॉलो करता है, और उसकी ऐसी ऐसी हरकतों को देखकर प्रिंसेस उससे इम्प्रेस हो जाती है। और उसी रात वो जनरल गुलीवर की बोट को ढूंढ लेता है क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलीवर को वहाँ से निकालना चाहता था। गुलीवर के आ जाने से उस जनरल की वैल्यू कम हो गई थी। बोट में गुलीवर को अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है, जिसे गुलीवर सुनने लगता है। असल में मैसेज में डार्सी ने कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने वहाँ पर आ रही हूँ। और उसके बाद दुश्मन के देश ने फिर से उनके देश पर हमला कर दिया था, और उसके बाद हुरेशिया वहाँ पर आकर गुलीवर को बताता है कि हमारे राजा ने तुम्हें इस राज का जनरल बना दिया है और तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। फिर गुलीवर दुश्मन देश की सेना से लड़ने के लिए उनके सामने चला जाता है और वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलीवर की बात को नहीं सुनते और वो उस पर हमला करते हैं, जिसका गुलीवर पर जरा सा भी असर नहीं होता। फिर गुलीवर उनकी बोट को खींचकर किनारे तक ले आता है और इसी तरह गुलीवर दोबारा से इस राज को बचा लेता है। फिर गुलीवर और बाकी के लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं और वहाँ पर गुलीवर को एक हीरो बना दिया जाता है, और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आने लगता है और वो दुश्मन देश के राजा के पास चला जाता है। जनरल ने गुलीवर की बोट से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था, और जनरल उस मैगजीन के सहारे रोबोट को बना लेता है और उस रोबोट में बैठकर गुलीवर के सामने आ जाता है। गुलीवर जब उस रोबोट को देखता है तो काफी डर जाता है। जनरल उस रोबोट की मदद से गुलीवर की खूब धुलाई करता है और सबको गुलीवर की सच्चाई का पता चल जाता है। उसके बाद गुलीवर सबको बताता है कि मैंने जो कुछ कहा और जो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें की वो सबकी सब झूठ थी। उसके बाद वो जनरल गुस्से में आकर गुलीवर को बांधकर कहीं पर भेज देता है। गुलीवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया है, मगर इस बार तो वो अपोजिट जगह में आ गया था, पहले जहां वो छोटे लोगों में चला गया था, लेकिन अब वो अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्ची ने गुलीवर को एक खेलने वाली डॉल बना लिया था। तभी गुलीवर को वहां पर हुरेशिया मिलता है। हुरेशिया उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, जनरल ने उसके साथ साथ अब राजा को भी कैदी बना लिया है, और अब तुम ही हो जो उन सबकी मदद कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और रात होते ही गुलीवर उस कैद से छुटकारा पा लेता है और डार्सी और राजा के पास पहुंच जाता है। और अगली सुबह गुलीवर और उस रोबोट के बीच फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट फिर से गुलीवर पर भारी पड़ता है और वो गुलीवर को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन तभी हुरेशिया उस रोबोट के अंदर के वायर्स को काट देता है और मौका मिलते ही गुलीवर उस रोबोट को मार डालता है, और इसी के साथ ये लोग जीत जाते हैं। उसके बाद किंग प्रिंसेस और हुरेशिया की शादी के लिए भी एग्री हो जाता है।
और डार्सी गुलीवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है, लेकिन तभी वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है। पर प्रिंसेस खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जनरल को एक जोरदार पंच मार देती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है और फिर डार्सी गुलीवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।